तो अब तक मैंने अपने इस YouTube चैनल पे दो AI टेक्स्ट टू स्पीच वाले वीडियोस अपलोड किए हैं और दोनों ही वीडियोस आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई हैं, और इसलिए उन दोनों ही वीडियोस पे ये कमेंट्स बार बार आ रहे हैं कि मैं ऐसी ही टेक्स्ट टू स्पीच वाली और वेबसाइट्स के बारे में बताऊं, क्योंकि हर एक वेबसाइट की अलग लिमिटेशंस होती है। किसी वेबसाइट पे मनचाही वॉइस नहीं मिल पाती, किसी वेबसाइट पे लिमिटेड क्रेडिट्स होते हैं कि आप एक सर्टेन क्रेडिट्स की ही आप वॉइस जनरेट कर सकते हो, किसी वेबसाइट पे ये लिमिटेशन होती है कि आप एक दिन में दो या तीन वॉइस ही जनरेट कर सकते हो। तो जितनी ज्यादा वेबसाइट्स और एप्स आपके पास होंगी आप उतनी ही ज्यादा वॉइसेस जनरेट कर पाओगे। तो आज आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जिससे आप ऐसी अल्ट्रा रियलिस्टिक वॉइस जनरेट कर सकते हो। परियों की एक अलग ही दुनिया थी जिसे परियों ने अपने जादू से खूब सजाया था। स्वर्ग से भी सुंदर पूरा शहर जिसमें हर परी खुशी खुशी रहती थी। सभी परियों को अच्छे से जादू करना आता था। अगर ये वॉइस पसंद आई हो और अगर जानना चाहते हो कि ये वॉइस मैंने कहां से और कैसे जनरेट की तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आपको अपने लैपटॉप या फोन के ब्राउजर में सर्च करना है TTS OpenAI। ठीक है, TTS OpenAI सर्च करोगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन तो यहाँ पे OpenAI वाला दिख जाएगा ChatGPT का। उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा आपको TTS OpenAI.com। आपको इस सेकंड ऑप्शन पे जाना है। अब ये इस वेबसाइट का इंटरफेस है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लीन है। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट यानी आपकी जो स्क्रिप्ट है वो एंटर करनी है। अब स्क्रिप्ट अगर आप चाहो तो मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, या अगर आपके पास कहीं कोई स्टोरी है तो वो भी आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो। हम एक स्टोरी फटाफट से सर्च कर लेते हैं, तो हम यहाँ सर्च करते हैं किड्स स्टोरीज इन हिंदी। ठीक है, पहला ही एक वेबसाइट आ रही है कोई कथा अमृत करके, इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको काफी सारी स्टोरीज मिल जाएंगी, मतलब बहुत ही सारी स्टोरीज हैं। यहाँ पे कोई भी एक स्टोरी हम एक ओपन कर लेते हैं। अब इस स्टोरी में से हम इनिशियली एक दो लाइंस बस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आप चाहो तो पूरी स्टोरी कॉपी कर लेना, मैंने सिर्फ दो लाइंस कॉपी की हैं। अब वापस से आ जाना है आपको अपनी वेबसाइट पे, और यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे आपको जो अपनी स्क्रिप्ट है वो पेस्ट कर देनी है। स्क्रिप्ट हमारी हो गई है। अब यहाँ पे वॉइसेस पे आते हैं, तो पहले तो आप अपनी पसंद की वॉइस यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, यानी किस कैटेगरी की वॉइस आपको चाहिए। मतलब सबसे पहले आप जेंडर चूज कर सकते हो, मेल या फीमेल। उसके बाद आप एज चूज कर सकते हो, यंग, मिडिल एज, ओल्ड, किस तरह का आपको चाहिए। मतलब यंग बच्चे की आवाज़ चाहिए या छोटे बच्चे की आवाज़ चाहिए या फिर ओल्ड एज की बंदे की आवाज़ चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और एक्सेंट यहाँ पे अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन भी है। अगर आपकी हिंदी स्टोरीज हैं तो इंडियन एक्सेंट ज़्यादा सही रहेगा, वरना कोई अंग्रेज बोलेगा तो उसमें एक इंग्लिश टच आ जाएगा, लग जाएगा कि कोई अंग्रेज हिंदी बोल रहा है। तो अगर हिंदी स्टोरी है तो आप इंडियन चूज कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारी हैं, चाइनीज, स्पेनिश, जो एक्सेंट आपको रखना है वो आप रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वॉइसेस ऑलरेडी हैं ओपन एआई की वॉइसेस। देखो यहाँ पे ऊपर कुछ एक टैब है जिसमें ओपन एआई वॉइसेस के ऊपर ये कुछ वॉइसेस हमें इसने अवेलेबल कराई हैं। कुछ वॉइसेस सुन के देखते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, एक ये आवाज है। इन द हार्ट ऑफ द सिटी there is a large park where people, दूसरी आवाज ये है। लेकिन ये वॉइसेस कुछ इम्पैक्टफुल नहीं लग रही, तो यहीं ओपन एआई वॉइसेस के बगल में एक ऑप्शन है सिस्टम वॉइसेस का, आप इस पे आ जाते हैं। अब जब सिस्टम वॉइसेस पे आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगी हजारों तरह की वॉइस। ठीक है, आप सबको एक एक करके सुन सकते हो। जैसे सबसे पहली वॉइस है टॉम की, इसे सुनते हैं। Buck did not read the newspaper. ये वही वॉइस है जो इस वीडियो के स्टार्ट में आपने सुनी थी, जो मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको, वो यही वॉइस थी। Or he would have known that trouble was brewing, not alone for himself, but... ये आवाज किसी भी तरह की सस्पेंस, हॉरर या क्राइम स्टोरी उसके लिए काफी सुटेबल रहती है ये वॉइस। इसके बाद एक और वॉइस है। And over this great demand, Buck ruled. तो जैसी भी वॉइस आपको पसंद आती है उसको जस्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। अब ये वॉइस सेलेक्ट हो गई है, अब बस क्लिक करना है क्रिएट स्पीच पे। उससे पहले एक दो ऑप्शंस और हैं। अगर नॉर्मल स्पीड, जैसे जो स्पीच की स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट या थोड़ी सी स्लो करनी है तो वो आप कर सकते हो। हाई क्वालिटी में मिल रहा है तो हाई क्वालिटी से ऊपर क्या ही जाना है। अब क्लिक करना है क्रिएट टू क्रिएट स्पीच, और कुछ ही सेकंड्स में हमारी एक तगड़ी वॉइस ओवर जनरेट हो चुकी है। परियों की एक अलग ही दुनिया थी जिसे परियों ने अपने जादू से खूब सजाया था। स्वर्ग से भी सुंदर पूरा शहर जिसमें हर परी खुशी खुशी रहती थी। सभी परियों को अच्छे से जादू करना आता था। वॉइस बिल्कुल सटीक है। तो यहाँ पे थ्री डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड का,
इस पे क्लिक करो और सीधे सीधे आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने पिछली दो टेक्स्ट टू स्पीच वाली वीडियोस में जिन वेबसाइट्स के बारे में बताया है, उन वेबसाइट्स के साथ साथ आप इस वेबसाइट को भी यूज कर सकते हो। ये भी काफी तगड़ी वॉइस जनरेट करती है। और अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो ये रही वो दोनों वीडियोस, क्लिक करके अभी देख सकते हो। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।